आजादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जयंती के शुभ अवसर पर शत शत नमन। प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, सांसद, लोकसभा दमोह। सुजुकी एक्सेस 125 कम पीता है। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम किला इलाका बालाकोट रोड दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह जिले के बांदकपुर में स्थित श्री जागेश्वरनाथ धाम का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। श्रावण मास में यहां पर हर दिन ही भक्तों की संख्या हजारों में होती है, तो वहीं विशेष अवसरों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। श्रावण मास के दौरान भी अंतिम श्रावण सोमवार को यहां भक्तों का आना जाना आज सुबह से ही शुरू हो गया था और देर शाम तक यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर लाइन में लगकर अपनी मनोकामना पाने के लिए भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। स्वयंभू भगवान जागेश्वरनाथ हर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसे में यहां पर पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी भक्तों का आना जारी रहता है। विशेष अवसरों पर यहां पर भक्तों की संख्या काफी ज्यादा होती है। मराठा शासनकालीन यह शिवालय आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र है। मराठा शासनकाल में यह शिवालय, यह शिवलिंग सपना देकर भूगर्भ से प्रकट हुआ था और जमीन में यह शिवलिंग अनंत गहराई तक है। ऐसे में यह शिवलिंग आज भी तिल तिल कर बढ़ता है और इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, जो जीवंत शिवलिंग के रूप में 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त भी है। जी, पैदल आए हम लोग और हर बार ही आते हैं और हर सोमवार आते हैं सावन के। जो इधर श्रद्धा है तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मन में ध्यान करो, वो आपकी सारी मनोकामनाएं संपूर्ण होंगी। ये श्रद्धा है जागेश्वरनाथ। मेरा नाम अंकित जड़ी है। हर हर महादेव। बांदकपुर में स्थित श्री जागेश्वरनाथ धाम प्राचीन अलौकिक दिव्य धाम है, जिसको स्वयंभू शिवलिंग जी ने 13वें ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रदान किया। 13वें ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं और बांदकपुर में जागेश्वरनाथ जी की एक विशेषता यह भी है कि इनको स्वयंभू शिवलिंग का अवतार माना गया है, जो स्वयं प्रकट हुए थे। और एक सबसे विशिष्ट बात जो कि इस स्थल को और भी विशिष्ट बनाती है कि कहते हैं जागेश्वरनाथ जी जो हैं वो स्वयं जागृत रूप में हैं,
बाकी जितने भी आप देखेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 11 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो चेतन अवस्था में हैं, मतलब तप करते हुए हैं, जप करते हुए ध्यान अवस्था में। लेकिन एक ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और यहाँ पे जागेश्वरनाथ धाम, ये जागृत अवस्था महादेव कहे जाते हैं। और जागृत जागेश्वरनाथ की महिमा अपार है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जागेश्वरनाथ जी की महिमा जानने के लिए आप देख सकते हैं लगातार, चाहे कोई भी, अभी तो सावन का विशेष पर्व चल रहा है, अपितु सावन ना भी हो तो भी लगातार यहाँ पे ये भीड़ जो आप देख पा रहे हैं ये हमेशा सदैव बनी रहती है। और लोग कई कई सौ सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चल कर यहाँ आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। और जागेश्वरनाथ जी की एक विशेषता यह भी है कि आप अगर निष्काम भाव से अगर आप कुछ मांग रखते हैं, चाहते हैं, तो आपको उसकी प्राप्ति जरूर होती है। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से कुछ भी आप मांगेंगे, आप अपना कुछ भी चाहेंगे भगवान से, तो वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अक्षय दीक्षित अंकित। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता ये है कि जो आदमी भावना लेके आता है उसका कार्य सिद्ध होता है, असिद्धि वाला काम आज तक नहीं है। क्योंकि अब तुम हम कितने दिनों से जानते हैं सो बताओ, इस प्रकार से यहाँ जो आदमी की भावना होती है, सच्चे मन से श्रद्धा होती है, वह प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान निकले हुए हैं, स्थापित शिवलिंग अलग हैं, द्वादश लिंगों के अतिरिक्त इनका जागेश्वर नाम से जागृत हैं जी। जागेश्वर, स्वरों में तुम्हारी जागृतता यदि है तो तुम जो कहोगे वह होगा। और दरबार ऐसा है जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, उस प्रकार से कामनाओं को पूर्ति होती है। पर क्या इतिहास है पंडित जी? इतिहास यही है कि यहाँ पर मनुष्य ने जो मन्नत की है वो पूर्ति भाई है। क्या नाम है? आप जागेश्वर धाम। अपने जैसे हरि विनायक पाटेसकर थे, HP पाटेसकर, यहाँ मंत्री बन के आए थे वो, उन फिर कलेक्टर बने, गवर्नर बने, उनको अनेक प्रकार की कामनाएं सिद्ध हुई। बड़े बड़े लोग इस दरबार से क्या ले जाते हैं और छोटे लोग भी क्या ले जाते हैं ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसके मन में जो भावना होती है उसकी पूर्ति होती है बेटा। हल्लो भैया चले बाजार, हल्लो भैया चले बाजार, गंदे की जड़ का हुए शिकार। जा रहा हंसी सुधा, हमने हंस गया नकार। अरे हल्लू भैया चिल्लाइए नहीं, अब हमारे पास है डिटर्जेंट निखार, जाके संगे जी आएगा उपहार। अच्छा है, गंदगी और बैक्टीरिया पर करें वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। मीनाक्षी डिटर्जेंट्स का निखार डिटर्जेंट पाउडर, सफेदी की नई परिभाषा।